हेलो दोस्तों, टेक इन टू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगे हम जो है विंडो में जो है टाइप में जो है ये अपना पैराग्राफ है, इसको देखेंगे। तो हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं वहाँ से, और पैराग्राफ हमने रख दिया है। तो यहाँ पे जो आपको ये लेफ्ट है, अलाइन लेफ्ट, ये सेंटर, और ये जो है राइट है आगे, ठीक है। यानी लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जिससे भी आपको अलाइन करना है वो अलाइनमेंट है इसका। इसमें ये है जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट, मतलब ये सिर्फ लास्ट लाइन को जो है छोड़ के बाकी सबको जस्टिफाई कर देगा। उसी तरह सबका जस्टिफाई सेंटर का जस्टिफाई, उसी तरह राइट का जस्टिफाई, और ये फुल फोर्स जस्टिफाई। इसमें क्या करते हैं कि जितना भी वर्ड आपके हो उसको खींच खींच के स्पेस डाल के ये एकदम फोर्सफुली जस्टिफाई कर देता है। और इसको जो है अब आगे ऑप्शन जस्टिफिकेशन में है, यहाँ पे अभी आप ऑन करके देख सकते हैं। इसमें इसको ऐसा छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए ये किस तरह से काम करता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं एडिट आपके अपने हिसाब से, और यह सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं जस्टिफाई और ये सब चीज़ों के हिसाब से। खैर इसको ना छेड़े तो बेटर है। और इसमें जो आगे ये है, इसमें क्या है आपको जो मेन पैराग्राफ है उससे कितना दूर करना है वो ऑप्शन है ये। उसी तरह आपको राइट से कितना दूर रखना है, जैसे मार्जिन वगैरह होती है उस टाइप की चीज़ें, वो ऑप्शन है ये। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन, जो भी पैराग्राफ होंगे उसके फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन को जो है वो आगे घसकाने के लिए। और यहाँ पे जो ये है स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रही है उसके पहले का स्पेस। उसी तरह यहाँ पे इसके बाद ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रही है तो उसका स्पेस, यानी ये और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ठीक है। यानी इसके बाद नया पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी इसका जो है और, ठीक है। उसी तरह आप ये देख सकते हैं हाइफन नेट जो है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपको चीज़ें दिख रही है डैश की तरह, ये जो है यानी आपका एक वर्ड कंप्लीट होने के बाद भी चूंकि पैराग्राफ के अंदर नहीं आ पा रहा है, मतलब वहाँ पे एंड हो जा रहा है, मार्जिन से बाहर चला जा रहा है, तो वो जो है आपको एक डैश जैसा बना दे रहा है, जिसको हाइपरनेशन बोलते हैं। और ये चीज़ आपको हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो आगे वाले वर्ड मतलब शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हो गई ऑप्शन। आपको इसमें जो है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ ऑप्शंस नहीं है, वो ऑप्शन जो है आपको यहाँ से प्रेफरेंस से टाइप में ऑन कर लेना है, शो इंडिक ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, मिडिल ईस्टर्न, साउथ एशियन, सिंगल लाइन कंपोजर, और ये तो इसको ऑन करने से क्या होता है, कभी कभी हम जो है कहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं अगर वर्ड वगैरह जैसे कि उर्दू के हैं या हिंदी के हैं, तो वो अलग अलग हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसके बारे में एक मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं आई बटन में। तो इसको ऑन करने से और यहाँ पर सेलेक्ट करने से वो चीज़ सॉल्व हो जाती है, यानी वो सही हो जाता है, ठीक है। और जैसे हमने ये पैराग्राफ स्पेसिंग जो भी डाला है, तो पैराग्राफ की तरह ट्रीट होने की रीज़न क्या है, जैसे आपने सिंपली यहाँ से अगर इंटर मारा तो वो ट्रीट हो रहा है न्यू पैराग्राफ, यानी जो आपने सेटिंग की है उस हिसाब से वो नया पैराग्राफ हो गया। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि नहीं आपको वो सब सेटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ जो ये लाइन जो है नीचे चली जाए और यहाँ से स्टार्ट हो जाए और उसी पैराग्राफ का ही पार्ट रहे, जैसे ये है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इंटर दबा देंगे, तो अब वो नए पैराग्राफ की तरह काउंट नहीं करेगा, वो पैराग्राफ सिंगल ही काउंट करेगा, और सारी सेटिंग्स जो है उसकी वो इसी हिसाब से चलेंगी, जैसे ये है, ठीक है। लेकिन उसको ये नया पैराग्राफ नहीं काउंट करते हुए सिर्फ नीचे लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब जो भी चीज़ें आपको सेटिंग करनी है तो वैसा भी सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं कि सिर्फ इसी पैराग्राफ में वो चीज़ हो और उसमें ना हो, देख सकते हैं आप, ऐसा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी जितना आपका सिलेक्शन है उसी के हिसाब से काम होगा। और अगर आपने पूरे हैंगर को सेलेक्ट किया है तो ये पूरे पे अप्लाई होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पैराग्राफ पैनल समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।